ललितपुर ग्राम पटोला खुर्द का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधान के विकास कार्य में कमी निकाली है और कहा है कि जो भी प्रधान द्वारा काम किए गए हैं उसमें काफी भ्रष्टाचार किया है। इसको हम जान जाते हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर समस्या बताइए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के पहले भी हम ऐसी कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। R9 भारत के लिए पूजा कश्यप की रिपोर्ट। क्या समस्या है बताइए, किस गांव से आए हैं? ग्राम पंचायत पटोला खुर्द ग्राम है। हम लोग प्रधान की शिकायत करने आए हैं, भ्रष्टाचार मचा है ग्राम पंचायत पटोला खुर्द। नाली बनवाए तो उसमें डस्टबिन लगवा दिया गया बालू की जगह, डबल खंडे में बनना चाहिए नाली, सिंगल खंडे में बना दी। 6 महीने नहीं चली नाली, हो गिर गई, ध्वस्त हो गई। जिलाधिकारी के पास गए तो क्या? माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग 1-8 में आए थे, करीब 1 महीने होने को है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या अभी दोबारा क्या बोला? किसी आशा से कोई सुनवाई, जांच बैठी की नहीं बैठी? वो ना जांच बैठी ना कुछ नहीं हुआ, और जानकारी मिली है इधर उधर से। ग्राम प्रधान ने मेंबर जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनके फर्जी साइन करके फर्जी राजीनामा जमा कर दिया गया है।